Easy. Easy. Back pay. Easy. तो इसे नाइस ये आपका बैक का था। वेलकम फ्रेंड्स, आज मेरे साथ ऑन कर दिया। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे साथ आज सृष्टि है। सृष्टि एक प्रोफेशनल डांसर है और इसने एक दिन बहुत ज्यादा डांस किया, उसके बाद में इसने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की और फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मैसेज आता है कि ये उठ नहीं पा रही है और ये इसको बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं। उस क्रैम्प्स की वजह से ये चीख चिल्ला रही थी, फोन पे कोई और बात कर रहा था, इसकी सिस्टर इन लॉ, और ये पीछे से आ आ आ करके चिल्ला रही थी। सृष्टि, उस दिन की कहानी हमारे व्यूअर्स के लिए एज अ इंफॉर्मेशन बताओ कि ऐसा होने पे क्या हुआ था, क्या किया था, कैसे ठीक हुए थे। तो बेसिकली मेरे को कुछ 2 दिन पहले मैंने एक्सरसाइज की थी जिससे मेरे मसल पुल हो गई थी। एंड 2 दिन तक आई वाज ट्राइंग, मेडिसिन ले रही थी मैं पेन किलर, बट मैं नॉर्मल बैठने का और ये सब थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही थी। बट अचानक से 2 दिन बाद पेन बहुत क्रॉनिक और सीवियर हो गया था। आई वाज गेटिंग माय बॉटल पानी की, तो अचानक से आई कुड सेंस कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ मेरे बैक पे एंड आई कुडंट स्टैंड। मेरे को बस ऐसा था कि मैं गिर जाऊंगी। बट उसी देर में पापा ने और भाई ने आके होल्ड किया एंड देन दे टुक मी टू द बेड। मैं लेटी, उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, फिर रिलीज हो रहा था। वो पेन इतना, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी हॉरिफाइंग था, मेरी लाइफ का अब तक सबसे वर्स्ट पेन था। एंड मेरे को ऐसा था कि मेरी कोई स्पाइन जकड़ के तोड़ रहा है कॉन्स्टेंटली। देर वॉज दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड देन भाभी, माई सिस्टर इन लॉ कॉल्ड द डॉक्टर कि ऐसा हो रहा है, क्या करना है। एंड मैं कॉन्स्टेंटली चिल्ला भी रही थी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन था। तो डॉक्टर सजेस्टेड कि टेक अ मेडिसिन, पेन किलर लो अभी के लिए एंड ट्राई एंड नॉट पैनिक, क्योंकि मैं काफ़ी दर्द की वजह से मैं काफ़ी पैनिक कर रही थी और बॉडी मेरी ऑटोमेटिकली काफ़ी स्ट्रेस और हो रही थी जिस वजह से और कॉन्ट्रैक्शन शायद स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तो डॉक्टर सजेस्टेड मी कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा पैनिक मत हो एंड हैव अ पेन किलर एंड ट्राई एंड ये पूरी रात थोड़ा सा निकाल कर कम टुमारो एंड आई विल सी कि क्या इशू है। एंड देन व्हेन आई केम हेयर विद इन वन सिटिंग आई कुड सी अ कम्प्लीट, मतलब मेजर 20-30% ऑफ दैट पेन एंड दैट क्रॉनिक पेन डिडंट केम बैक एंड आई वॉज थैंकफुल कि आई केम हेयर। बस मैं पूरी रात ये सोच रही थी कैसे भी मेरी रात निकाल के आई मैं डॉक्टर के पास पहुँच जाऊँ। एंड इट वॉज एक्चुअली मेरे लिए था कि मे बी ये पेन वापस आ सकता है। इतना हॉरिफाइंग था कि आई कॉन्स्टेंटली वॉज थिंकिंग ऑफ इट, बट देन आफ्टर ट्रीटिंग माई सेल्फ हेयर आई डोंट हैव दैट क्रॉनिक पेन। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल थक जाती है, उसमें बिल्कुल जान नहीं रहती, तो बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, अब क्योंकि उसमें ताकत नहीं है तो फिर रिलीज हो जाती है। तो बार बार रिलीज कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ताकत ही नहीं है। और पेशेंट कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, बहुत सारे मेल फीमेल दोनों पेशेंट्स आते हैं और वो रात को हॉस्पिटल जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता। क्योंकि हमें पता होता है कि रात एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप, मैं जाके या कोई भी जाके इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, और रात तो पेशेंट को काटनी होती है, और इंजेक्शन लग जाता है तो पेशेंट सो जाता है। बहुत सारे लोगों में थोड़ा बहुत आराम आ जाता है रात में, क्योंकि मूवमेंट होगी नहीं, चल फिर सकते नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकली रात हमेशा लंबी होती है कंपेयर टू दिन। तो दिक्कत जब भी रात को होती है, और वही चीज़ अगर दिन में कर ली जाए तो हम 10 चीज़ें कर सकते हैं, बट फर्स्ट डे इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो आप में से किसी को भी ऐसी चीज़ें जब रात को हो तो पैनिक तो बिल्कुल ना करें। घर वालों को आप और ज़्यादा करेंगे तो आप इमरजेंसी में जा सकते हैं, यही, इसके अलावा कोई और ऑप्शन रहता नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट नाइट जैसे ही निकाल लेते हैं तो बेटर होना शुरू हो जाते हैं। अब इसको शायद हफ्ता या 10 दिन हो गया है। इसको स्टार्टिंग में तो 3-4 दिन हमने डेली बुलाया था, फिर एक बार बीच में सैटरडे को बुला के बोला था कि ट्यूजडे को आना। इस पीरियड में हमने इनको एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। बस यही छोटी सी स्टोरी है, इन्फॉर्मेशन यही है कि पैनिक ना करें। जब भी आप स्पैजम में चले जाएं, जब भी आपका दर्द होने लग जाए, ये मत सोचिए कोई डॉक्टर आके जादू कर देगा, आप ही को वो टाइम बिताना है, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो इमरजेंसी में चले जाएं। अब मैं इनका आज एडजस्टमेंट करूंगा, ये तीसरी बार होगा जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था। अब देखता हूँ और लेट्स बिगिन। आ जाइए, शशि पे लेटेंगे, शूज पहने रखो, उल्टा लेट जाएंगे।
उल्टा 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 हाथ साइड में कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन, तो इसे नाइस, ये अपर बैक का था, टर्न करेंगे मेरी तरफ, करवट लेंगे मेरी तरफ पहले मेरी तरफ, रिलैक्स, इसी पे फोकस रखना है ना, बैक पे इजी, उस तरफ रिलैक्स, नीचे वाला सीधा, ये वाला इजी इजी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट ले लेंगे, इजी इजी, अच्छा एक लास्ट बैठेंगे, अच्छा व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन था, समझने के लिए एडजस्टमेंट था, आप लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की तरफ भी जाएं, सिर्फ एडजस्टमेंट 30 सेकंड्स का 1 मिनट का देख के इस वीडियो को थोड़ा सा डाउनग्रेड ना करें, और आप लोग थम्स अप सिर्फ एडजस्टमेंट वाली वीडियो जिसमें ज़्यादा होती है उसी पे करते हैं, इन्फॉर्मेशन को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, आप सबकी घर में कोई ना कोई तो कभी ना कभी दिक्कत में आएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सबकी हेल्प करेगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और थम्स अप दें, थैंक यू।